हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी12 के बारे में। विटामिन बी12 के क्या बेनिफिट्स है, हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है, जिसको मिथिल कोबालामीन बोलते हैं। विटामिन बी12 का जो पूरा नाम है मिथिल कोबालामीन है। विटामिन बी12 की डिफिशियंसी 70 से 75% लोगों को होती है और उन्हें पता भी नहीं होता। विटामिन बी12 एक हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस वर्क अदा करता है। विटामिन बी12 एक वाटर सॉल्युबल्स विटामिन होता है। आपने विटामिन की क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, फैट सॉल्युबल्स एंड वाटर सॉल्युबल्स। तो विटामिन जो आता है विटामिन बी12 होता है, ये वाटर में घुलनशील होता है। ये ज्यादातर किन चीजों में पाया जाता है, ये एग, फिश और मीट वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। और आप सोच रहे हैं कि हमारे को विटामिन बी12 की डिफिशियंसी है तो कुछ नहीं होएगा हमारी बॉडी के, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विटामिन बी12 हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन जो डिफिशियंसी होती है एनीमिया की, जो खून की वगैरह, जो आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह आती है, कमजोरी आती है, आपको चक्कर आते हैं, वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी12 कम है, जो रेड ब्लड सेल के अंदर काम करता है आपके अंदर। क्योंकि आपको कुछ सीरियस हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर आपको क्या हो सकता है, एक एनीमिया हो सकता है। एनीमिया इसलिए हो सकता है क्योंकि विटामिन बी12 हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको रेड ब्लड सेल, अगर खून का बहाव, अगर खून को बढ़ाना है, तो उसके अंदर आपको रेड ब्लड सेल बढ़ाने के लिए मिथिल कोबालामीन लगता है। दूसरी जो आपको आ सकती है डिफिशियंसी और हेल्थ इश्यू हो सकता है, डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, आपको सोचने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। फिर आपको बोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बोन आपकी कमजोर वगैरह हो सकती है, ये इसके कुछ सोर्स और इश्यू वगैरह हो सकते हैं। अब इसके सोर्स क्या है, किन चीजों से होता है, विटामिन बी12 हमने जाने के वाटर सॉल्युबल्स विटामिन होता है, वाटर में सॉल्युबल्स होता है। और विटामिन बी12 के बेनिफिट्स क्या है, हमारे को इससे क्या फायदे मिलते हैं। एक तो है आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। आरबीसी बोलते हो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, हमारी बॉडी के अंदर खून का बहाव को बढ़ाता है, मतलब खून की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, आपके टिश्यू तक पूरी बॉडी में खून का बहाव पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। दूसरा है सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम्स को, आपकी जो माइलिन शीट होती है, जो माइलिन शीट क्या होती है, माइलिन शीट जो हमारे नर्व जो होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, वो माइलिन शीट से कवरिंग हुई रहती है, इनकी जो प्रोटेक्शन करने का काम करती है, नर्व को डैमेज नहीं होने देती। अब जैसा हमारे इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं उसके अंदर एक शीट होती है, जो वायर का एक दूसरे से टच नहीं होती, उनको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, उसी तरह विटामिन बी12 हमारी बॉडी के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसको कवरिंग करने का काम करता है, डैमेज नहीं होता। अगर आपको जो हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है, सुनपन आ जाता है, ये किस वजह से आता है, जब आपके नर्व इम्पल्स बराबर से काम नहीं करते, नर्व जो बराबर से काम नहीं करते, जिसके से आपको चुभन वगैरह, दर्द वगैरह होता है। और ये एनर्जी का सिंथेसिस करता है, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह की कमी को दूर करता है, और हमारी बॉडी के अंदर फटिक वगैरह, चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसमें भी काम करता है, और हमारे स्किन और हेयर के लिए भी इम्पोर्टेंस काम करता है। हमारे जो बालों का झड़ना जो होता है, स्किन के अंदर मॉइस्चर अदा करता है, जिसकी वजह से आपको स्किन आपकी सुकड़ती नहीं है। और अगर आप देखे तो आपको हेयर से भी इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके हेयर लॉस वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अब आप पहचानेंगे कैसा है कि आपको विटामिन बी12 की डिफिशियंसी, आपको फटिक वगैरह, वीकनेस वगैरह, चक्कर वगैरह आते हैं, उल्टी वगैरह, वोमिटिंग्स वगैरह होती है, एनीमिया हो जाता है, आपके अंदर आरबीसी खून का वो हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी12 खून का बढ़ाने का काम करता है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको वीकनेस वगैरह रखता है, झंझनाहट होती है, हाथ में दर्द होता है, मेंटल हेल्थ वगैरह में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एंजाइटी वगैरह, चिंता, क्योंकि आप कमजोर हो गए, वीकनेस हो जाती है, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन, चिंता वगैरह विटामिन बी12 की वजह से होती है। अब सोर्स ऑफ डाइट, आपको डाइट ऐसी खाना है जिसके अंदर विटामिन बी12 मौजूद होता है, फैट, एग वगैरह, मिल्क वगैरह में होता है विटामिन बी12। अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये विटामिन हमने कहां से खाने होना, फिर आपको अगर इन चीजों का सोर्स नहीं मिलता है नेचुरली, तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर विटामिन बी12 मौजूद है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वर्क करता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे जैसे एक आता है फाइटिका विटा जो आता है 365 टेबलेट्स आती है जो आपके अंदर, इसके अंदर विटामिन होता है, मिनरल्स होता है और आपके अंदर जो ये बहुत सारे वर्क करने का काम करता है। और मिथिल कोबालामिन वगैरह जो बहुत सारी टेबलेट्स आती है, शेल के एलएक्सटी वगैरह, और इसके बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है अलग अलग कंपनी के आते हैं जिसके अंदर मिथिल कोबालामिन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।